नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करते हैं पीस लिली के फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। तो पीस लिली का प्लांट बहुत ही सुंदर वाइट कलर के फूल देने वाला प्लांट होता है और एयर प्यूरिफायर प्लांट होता है। तो इसे आप अपने घर के अंदर भी लगा सकते हैं और इसके आउटडोर में इस प्लांट को आउटडोर भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह जहाँ इसके ऊपर धूप ना पड़े लेकिन पूरे दिन की इसके ऊपर रोशनी पड़े, क्योंकि अगर इसके ऊपर धूप पड़ती है तो इसकी पत्तियाँ टिप्पे से जलने लग जाती हैं यहाँ से। तो दोस्तों इस प्लांट में से नीचे से स्पाइक निकलती है, जो प्लांट का बीच वाला क्राउन वाला एरिया होता है तो वहाँ से स्पाइक निकलती है। जैसे ये एक निकली हुई है हमारी और प्लांट में से, और इसमें आया हुआ है व्हाइट कलर का फ्लावर। तो कई दिनों पहले ये निकल चुका था, लेकिन इसका ये फ्लावर इस तरह से बंद था और ये कल ही शायद खिला है। इस तरह से बंद था इसका फ्लावर और ये कल खिला है पूरी पूरी तरह से ये। और फिर इसके अंदर ये एक और इसके फ्लावर के साथ ये आती है, और अगर हम इसको कट नहीं करते हैं तो इसमें सीड भी बनने लग जाते हैं। इस वाले ये वाले सारे सीड हैं ये, अगर इसको हम कट नहीं करेंगे तो कुछ दिनों के बाद इसमें सीड तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं सीड बनने के लिए तो हमारे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि प्लांट पूरी एनर्जी फिर सीड बनाने में लगा देता है। लेकिन हमें सीड नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्लांट डिवाइड से मतलब इसमें से नीचे से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, तो उनको अगर हम अलग कर कर के लगा देते हैं तो हमारे और भी ढेरों प्लांट निकल आते हैं। तो इसलिए हमें सीड की ज़रूरत नहीं होती है। हम तो इसको थोड़ा सा ये प्लांट मतलब इसका ये वाइट वाला फ्लावर मुरझा जाता है तो ही इसको कट कर देते हैं। तो दोस्तों अगर इसके सॉइल मीडिया की बात करें तो इस प्लांट को लगाना है वेल ड्रेन सॉइल में, जैसे कि एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट, या फिर आप इसमें 10 से 15% कोकोपीट भी मिला सकते हैं। इससे काफ़ी हल्का मीडिया बनता है। तो दोस्तों अगर इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप इसमें 1 से 1.5 महीने में आधी चम्मच एप्सम सॉल्ट की गमले में हल्की सी गुड़ाई करके आधा चम्मच उसमें डाल दे गमले में, और इस प्लांट के ऊपर आधा चम्मच स्प्रे बोतल से अगर इसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं, मतलब पानी में घोल के स्प्रे कर देते हैं, तो हमारा प्लांट हरा भरा रहता है और इसकी पत्तियां बहुत ही शाइनी दिखाई देती हैं। तो दोस्तों इस प्लांट को आप खिड़की के सहारे भी लगा सकते हैं और बालकनी में भी लगा सकते हैं। जिनके घरों में धूप नहीं आती है तो उनके लिए पीस लिली का प्लांट बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है, क्योंकि इस प्लांट को धूप की ज़रूरत नहीं होती है, बस इस प्लांट को रोशनी की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों इस प्लांट को हमें ऐसी जगह रखना है जहां इसके ऊपर धूप बिल्कुल भी ना आए, या तो शेड में रख दें या फिर इसको ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हैं जहां इसके ऊपर छन कर धूप आए, लेकिन रोशनी इसके ऊपर पूरी आनी चाहिए। तो दोस्तों अगर इसके पानी की बात करें तो इसमें पानी हमें तभी देना है जब इसकी गमले की मिट्टी की ऊपर की लेयर सूख जाती है। इसमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। वैसे भी ये प्लांट हमारा शेड लविंग प्लांट है, तो शेड में रहने वाले पौधों को पानी की कम ज़रूरत होती है, क्योंकि जो प्लांट धूप में रहते हैं तो उनका पानी धूप के कारण जल्दी सूख जाता है। लेकिन शेड लविंग प्लांट में हमें कम से कम 1 दिन छोड़ के पानी डालना चाहिए, क्योंकि उनमें पानी जल्दी से नहीं सूखता है। तो दोस्तों अगर इसके प्राइस की बात करें तो हर नर्सरी के ऊपर इसका प्राइस अलग अलग होता है, या फिर जितना बड़ा हमारा प्लांट होता है तो उसके अनुसार ही इसका प्राइस होता है। जैसे कि एक ब्रांच वाला प्लांट होता है तो इसका प्राइस थोड़ा कम होता है, और अगर प्लांट ज़्यादा बुशी होता है तो उसका प्राइस ज़्यादा होता है। अगर आप एक ब्रांच वाला प्लांट लेते हो तो उसका प्राइस 80 से 100 रुपये में
मिल जाता है। और अगर आप 3 या 4 ब्रांच वाला बुशी प्लांट लेते हो तो उसका प्राइस 200 से 250 रुपये में मिलता है। तो दोस्तों अगर इसके प्रोपोगेशन की बात करें तो पीस लिली में नीचे से के इसके यहाँ से नीचे से इसके बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, तो आप उनको अलग कर करके दूसरे गमलों में लगा सकते हैं और इससे हमारे ढेरों प्लांट हो जाते हैं। तो हमारे पास भी पहले एक ही प्लांट था, तो उसमें से हमने अलग कर करके अब 3-4 प्लांट बना लिए हैं एक ही पीस लिली के प्लांट में से। हम एक ही प्लांट लेके आए थे और उनमें कुछ दिनों के बाद ही उनमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो जिस तरह से हमारे पीस लिली के प्लांट में फ्लावरिंग शुरू हो गई है, पीस लिली का प्लांट छोटे से गमले में ही आसानी से चल जाता है। तो हमारा प्लांट भी 5 इंच के नर्सरी वाले पॉट में लगा हुआ है और ये प्लांट आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया चल रहा है। जब हम इसको नर्सरी से लेके आए थे तो ये 2 से 2.5 इंच के गमले में लगा हुआ था और उसके बाद हमने इसको एक बड़े गमले में लगा दिया और उसके बाद इसमें नीचे से बेबी प्लांट निकलने शुरू हो गए। तो उनको फिर हमने अलग अलग करके कई जगह, मतलब 4-5 जगह लगा दिया और इससे हमारे पास अब 4 से 5 पीस लिली के प्लांट हो गए हैं। तो दोस्तों पीस लिली का प्लांट बेस्ट एयर प्यूरिफायर इंडोर प्लांट होता है और शेड लविंग प्लांट होता है। तो अभी तक आप अगर पीस लिली के प्लांट को नहीं लाए हो तो अभी भी आप इसको नर्सरी से ला के लगा सकते हो। पीस लिली के प्लांट में फ्लावर स्प्रिंग के मौसम में आते हैं, जैसे मार्च अप्रैल के महीने में या फिर अक्टूबर नवंबर के महीने में, तेज़ गर्मी में या फिर तेज़ सर्दी में इसमें फ्लावर नहीं आते हैं। तो दोस्तों पीस लिली का प्लांट वाइट फूलों वाला सुंदर एयर प्यूरिफायर प्लांट होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।